बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग अ वेयरवुल्फ बॉय। ये एक बहुत ही अनोखी कहानी है। ये कहानी है कैसे बच्चे की जो हमेशा भेड़ियों के बीच में रहा, जो इंसानों के बारे में कुछ भी नहीं जानता, ना उनकी तरह बात कर सकता है, ना उनकी तरह वो खा सकता है, वो बिल्कुल अलग है। इस कहानी की शुरुआत में ये दिखाया जाता है कि एक लेडी जिसकी उम्र 60 साल से भी ज्यादा है, जो अमेरिका में रहती है। इस लेडी का नाम सारा है और इसे अमेरिका में एक कॉल आता है और कॉल सुनने के बाद ये कहती है मुझे साउथ कोरिया जाना होगा। और ये साउथ कोरिया आ जाती है। यहाँ पर ये अपनी ग्रैंड डॉटर से मिलती है और सारा अपनी ग्रैंड डॉटर के साथ उस घर पर आती है जहाँ पर वो उस वक्त रहती थी जब वो 17 साल की थी। दरअसल वो अमेरिका से यहाँ इसीलिए आई होती है क्योंकि उनका ये घर बिखरा होता है और वो नहीं चाहती कि उनका ये घर बिके, क्योंकि इसके साथ उसकी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है। और अब कहानी चली जाती है 47 साल पीछे, जब सारा मात्र 17 साल की थी और उस वक्त ये इस घर में नहीं आए थे। यहाँ पर एक आदमी रहता था और वो आदमी एक बाल्टी में जानवरों का बहुत सारा खाना लेकर घर के सामने बने एक दूसरे बहुत बड़े हॉल में जाता है। यहाँ से कुत्तों की और भेड़ियों की आवाज आ रही होती है और वो एक दरवाजे के सामने आकर रुक जाता है। इस दरवाजे पर बहुत सारे ताले लगे होते हैं, इसका मतलब इसके अंदर जो है वो बहुत ही खतरनाक है। इस आदमी की तबीयत खराब होती है, ये एक एक करके सारे लॉक्स खोलता है और जब ये आखिरी लॉक खोलता है तो इसे हार्ट अटैक आ जाता है और इसकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। इसके काफी दिनों बाद यहाँ पर सारा का परिवार आता है। सारा अपनी माँ और अपनी छोटी बहन के साथ रहती है, उसके पिता अभी इस दुनिया में नहीं है। अभी सारा की उम्र मात्र 17 साल होती है लेकिन वो स्कूल भी नहीं जाती क्योंकि उसे लंग्स की प्रॉब्लम होती है और इसलिए भी ये पूरा परिवार यहाँ पर शिफ्ट हो गया होता है। इससे पहले सारा का पूरा परिवार सारा के पिता जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनके बिजनेस पार्टनर के बेटे जिसका नाम जैक होता है, उसके घर पर रहा करते थे। जैक भी यहाँ पर होता है और जब सामान उतारा जा रहा होता है तो जैक को हेल्प के लिए पूछा जाता है, लेकिन जैक इस तरह से देखता है जैसे उन्होंने कोई गुनाह कर दिया। दरअसल जैक के अंदर बहुत ईगो है, वो एक अच्छा इंसान नहीं है और सारा भी उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती। सारा की जिंदगी में अकेलापन है, उसका कोई भी दोस्त नहीं है, वो स्कूल नहीं जाती। और एक रात को जब वो अपने कमरे में अकेली होती है तो वो रो रही होती है और तभी उसे लगता है कि बाहर कोई है। वो अपनी छोटी बहन के कमरे में जाती है, उसे उठाने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं उठती। और इसके बाद वो अपनी मॉम के कमरे में भी जाती है लेकिन वो भी सो रही होती है। और अब सारा अकेले ही घर से बाहर निकल जाती है, उसके हाथ में शवल होता है और वो घर से बाहर बने एक दूसरे बहुत बड़े हॉल में जहाँ कभी जानवर रहा करते थे वो उस तरफ जाती है क्योंकि आवाज वहीं से आ रही होती है। और वो कुछ ही देर बाद उसी दरवाजे के बाहर पहुंच जाती है जहां पर बहुत सारे लॉक्स होते हैं लेकिन ये सारे के सारे खुले होते हैं। और जब सारा दरवाजा खोलती है तो अंदर कोई होता है लेकिन इससे पहले कि वो उसे देखती वो उसे गिराकर वहां से भाग जाता है। सारा जोर से चिल्लाती है और उसकी चीख सुनकर उसकी छोटी बहन और उसकी मॉम वहां पर आ जाती है। वो उसे कहती कि तुम यहाँ पर क्यों आई और वो सारा को अंदर ले जाते हैं। अगले दिन ये दिखाया जाता है कि सारा बाहर कपड़े सुखा रही होती है और उसकी मॉम भी वहां पर होती है। और तभी सारा को लकड़ियों के पीछे लगता है कि कोई है। वो अपनी मॉम को बताती है, उसकी मॉम समझ जाती है कि ये हो ना हो वही है जिसने कल रात को सारा को डराया था। दरअसल गांव के लोग ये कहते हैं कि यहाँ पर वुल्फ बहुत है, शायद रात को उन्हीं में से कोई वुल्फ हो जिससे सारा डर गई हो। लेकिन अब जब इन्हें शक है कि यहाँ लकड़ियों के पीछे कोई है तो सारा की मॉम झाड़ू लेके धीरे धीरे आगे बढ़ती है और तभी उस जगह पर हलचल होती है और सारा की मॉम बोलती है जो भी है बाहर आ जाओ। और तभी वहां से एक लड़का निकलता है जिसकी उम्र 19 साल होगी, जो बिल्कुल जानवरों की तरह लगता है। सारा उसे बड़ी हैरानी से देखती है, वो कहती है तो इंसान है। और उस लड़के की नजर वहां तख्त पर रखे हुए आलुओं पर होती है और सारा की मॉम उसे एक आलू देती है जिसे वो जानवरों की तरह खा जाता है। और इसके बाद सारा की मॉम आलू की पूरी टोकरी उठाती है। सारा अपनी मॉम से कहती है मॉम आप ये क्या कर रही हैं, उसे जाने के लिए कहो। लेकिन सारा की मॉम अपनी बेटी की बात नहीं सुनती और वो आलू की पूरी टोकरी उस लड़के के सामने रख देती है और वो एक एक करके सारे आलू खा जाता है। दरअसल ये बहुत भूखा होता है और जिस तरह से खा रहा होता है उस तरह से कोई भी इंसान नहीं खाता। सारे आलू खत्म होने के बाद भी वो वहां से नहीं जाता। और अब सारा की मॉम आसपास के लोगों को और एक पुलिस वाले को भी यहाँ पर बुला लेती है। यहाँ पर जैक भी आता है। जैक कहता है कि ये कोई आवारा लगता है, इसको यहाँ से भगा दो।
लेकिन सारा की मॉम कहती कि ये बोल नहीं पाता और ना ही ये इंसानों की तरह कोई हरकत करता है। यहाँ पर जो पुलिस वाला होता है वो कहता है कि कोरियन वॉर के दौरान 60,000 बच्चे अनाथ हो गए थे, हो सकता है कि ये उन्हीं में से कोई हो। और वो धीरे धीरे उसके पास जाने की कोशिश करता है, वो जोर से गुर्राता है और पुलिस वाला और सभी लोग यहाँ पर डर जाते हैं। सारा की मॉम चाहती है कि पुलिस वाले इसकी कस्टडी ले, वो इसकी जिम्मेदारी ले, लेकिन पुलिस वाले इस मामले से पूरी तरह से हाथ उठा लेते हैं। और सारा की मॉम जो कि बहुत दयालु है, वो इस लड़के को गोद ले लेती है और इसका नाम रखती है चुल्सो। वो इसे अडॉप्ट इसलिए भी करती है क्योंकि उसको लगता है कि ये उन अभागे बच्चों में से है जिनके माँ बाप कोरियन वॉर में मर गए थे। और अब वो उसे घर लाती है, उसे नहलाती है क्योंकि उससे बहुत बदबू आ रही होती है। और जब खाने के टेबल के पास चुल्सो पहुंचता है तो वो सारा खाना जानवरों की तरह खा जाता है। इस बात से सारा बहुत इरिटेट होती है, वो अपनी मॉम से पूछती है कि ऐसा कब तक चलेगा। उसकी मॉम कहती है मैंने यहाँ के इंस्पेक्टर से बात की है, वो जल्दी इस बारे में कुछ कर लेगा, तब तक ये हमारे साथ ही रहेगा। ये बात सारा को बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो वहां से चली जाती है। अब रात को जब चुल्सो अपने कमरे में होता है तो वो खिड़की से देखता है कि पूरा चांद निकला हुआ है और वो खिड़की के पास बैठकर भेड़ियों की तरह चिल्लाना शुरू कर देता है। और उसकी आवाज सुनकर सारा की मॉम वहां पर आती है, वो चुल्सो को पीछे से मारती है और उसे डांट कर बिस्तर पर लिटा देती है। अगली सुबह ये दिखाया जाता है कि सारा ने अभी भी अपनी किताबें अनपैक नहीं की है और जब वो पीटियों को उठाने की कोशिश करती है तो बहुत भारी होती है। यहाँ पर चुल्सो भी होता है और चुल्सो ये देखकर सारा की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। इससे सारा डर जाती है और वो उसे वहां से जाने के लिए कहती है, लेकिन वो लगातार उसकी तरफ बढ़ता जाता है। और जैसे वो उसके पास पहुंचता है सारा चिल्लाना शुरू कर देती है, उसके बाल खींचना शुरू कर देती है। लेकिन अगले पल चुल्सो खड़ा हो जाता है और उसके हाथ में वो दो पेटियां होती है जिसके नीचे वो पेटी है जिससे सारा को किताबें निकालनी, और वो समझ जाती है कि ये मेरी मदद कर रहा है। और इसके बाद वो उसे एक स्वीट कॉर्न भी देती है जिसे वो फिर से जानवरों की तरह पकड़कर वहां से चला जाता है। तभी यहाँ पर जैक भी आता है और वो सारा से कहता है अभी तक तुमने अपना सामान अनपैक नहीं किया, दरअसल इस घर में एक मर्द की जरूरत है। और वो नीचे रखी हुई पेटी को उठाने की कोशिश करता है लेकिन वो पेटी उससे हिलती भी नहीं है, वो पूरी जान लगा देता है। और ये उन्हीं दो पेटियों में से एक पेटी होती है जिसे चुल्सो ने बड़े आराम से उठा दिया था। सारा कहती है कि मुझे पढ़ना है। जैक कहता है कि तुम पढ़कर क्या करोगे, आखिरकार तुम्हें मुझसे ही शादी करनी है और जिंदगी भर मेरे लिए खाना बनाना है। और वो सारा का हाथ पकड़ लेता है और तभी वहां पर चुल्सो आता है और वो जैक का हाथ इतनी जोर से पकड़ता है कि उससे सहा नहीं जाता। वो सारा का हाथ छोड़ देता है और डर कर वहां से भाग जाता है। और सारा जो चुल्सो को बिल्कुल पसंद नहीं करती, वो पहली बार इसे थैंक्स कहती है। सारा की मॉम इसका नाम चुल्सो इसलिए रखते हैं क्योंकि सारा के डैड ये चाहते थे कि अगर उनका बेटा हो तो उसका नाम चुल्सो रखा जाए। और अब सारा अपनी किताबें देख रही होती है और तभी उसमें किताब मिलती है जो डॉग्स ट्रेनिंग की किताब होती है, यानी जिससे कुत्तों को ट्रेन किया जाता है। और सारा के दिमाग में आइडिया आता है, वो सोचती है क्यों ना चुल्सो को इसी तरीके से ट्रेन किया जाए। क्योंकि चुल्सो की वजह से सारा अपने परिवार के साथ खाना नहीं खाती, क्योंकि चुल्सो अपना खाना तो खा ही जाता है, बाकी वहां पर जितने भी लोग होते हैं सबका खाना खा जाता है। और जैसे चुल्सो खाने के टेबल के पास आता है सब अपना खाना पकड़ लेते हैं। अब सारा आलू उबाल कर ले जाती है और चुल्सो को सिखाती है कि कैसे खाना चाहिए। और चुल्सो बहुत ही जल्दी समझ जाता है कि कब उसे खाना और कब नहीं खाना, यानी कि वो सारा की कमांड पर चलना सीख जाता है। और रात को जब सब खाने के लिए बैठते तो वहां पर चुल्सो भी आता और सबका खाना खाने की कोशिश ही कर रहा होता है कि तभी सारा उसको कमांड देती है और वो रुक जाता है और जब उसे कहती है वो तभी खाता है। ये देखकर सारा की मॉम और वहां पर जितने बच्चे होते हैं सब हैरान हो जाते हैं। और अगले दिन से सारा उसे ब्रश करना सिखाती है, शूज पहनना सिखाती है, उसके बाल भी काटती है। और चुल्सो भी सारा को बहुत पसंद करता है। और जब सारा की मॉम सारा को और उसकी बहन को मार्केट लेकर जा रही होती है तो सारा कहते क्यों ना हम चुल्सो को भी ले चले, और ये चुल्सो को भी मार्केट लेकर चले जाते हैं। और मार्केट में जब एक जगह ये सब खड़े होकर कुछ खा रहे होते हैं तभी ऊपर से एक लोहे का बहुत बड़ा टुकड़ा गिरता है। और इससे पहले कि वो सारा और उसकी बहन के ऊपर गिरता, चुल्सो उन दोनों को बचा लेता और वो टुकड़ा उसके कंधे पर गिरता है, लेकिन चुल्सो को इससे कुछ भी नहीं होता। वहां पर सारे लोग हैरान हो जाते हैं, सब कहते हैं कि इसे डॉक्टर के पास ले जाओ, और वो उसे वहां के एक लोकल वैद्य के पास लेकर भी जाते हैं, लेकिन वो कहता है ये बिल्कुल ठीक है। और इसके बाद ये सब घर वापस आ जाते हैं।
जुल्सू के आने से सारा की पूरी जिंदगी बदल जाती है। उसकी जिंदगी में अकेलापन था, उदासी थी, लेकिन अब वो खेलने जाती है, खुश रहती है, हंसती है। और जुल्सू भी सारा से बहुत प्यार करता है। यहाँ तक कि जब सारा अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है तो जुल्सू उसी के कमरे के दरवाजे के बाहर सो जाता है। और ये बात सारा जानती है, इसीलिए वो भी कमरे के दरवाजे के पास ही सो जाती है। कमरे के दरवाजे के एक तरफ सारा सो रही और दूसरी तरफ जुल्सू। यानी कि इन दोनों की जिंदगी में जो अकेलापन था, जो खालीपन था, इन दोनों ने उस अकेलेपन को, खालीपन को भर दिया है। सारा जुल्सू को लिखना, पढ़ना और बोलना भी सिखाती है। जुल्सू सारा के साथ बहुत खुश है। एक रात को ये दिखाया जाता है कि जैक अपनी एक दोस्त के साथ गाड़ी में जा रहा होता है। उसने बहुत शराब पी रखी होती है और उसका ध्यान गाड़ी चलाने में कम और बातें करने में ज्यादा होता है। और तभी उसकी गाड़ी बकरियों के एक बेड़े से टकराती है। जुल्सू भी वहां पहुंच जाता है और जुल्सू देखता है कि इस टक्कर की वजह से एक बकरी मर जाती है। वो उस बकरी को अपनी गोद में उठा लेता है और जैक यहाँ से भाग जाता है। अब जिसकी ये बकरियां होती है वो आदमी भी यहाँ पर आ जाता है। जुल्सू उसकी बकरी को उसके आगे रख के वहां से निकल जाता है। वो आदमी जुल्सू को कुछ नहीं कहता क्योंकि वो उसे जानता है और उसे यकीन है कि जुल्सू ने इस बकरी को नहीं मारा। अब एक रात को जैक सारा के घर पर आता है। जैक के पास घर की सारी चाबियां हैं क्योंकि ये घर जैक का ही है। और सारा को बाहर बुलाता है, वो सारा से बात करता है, वो कहता है मेरे साथ स्नैक्स खाने चलो, लेकिन सारा बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होती। और जब वो जा रही होती है तो सारा का हाथ पकड़ लेता है। और इसके बाद जैक के तीन दोस्त जो गाड़ी में बैठे होते हैं वो भी उतर कर वहां पर आ जाते हैं। सारा जैक का हाथ काटती है, उसे धक्का देता और सारा गिर जाती है। जुल्सू दूर से सब कुछ देख रहा होता है और यहाँ पर पहली बार जुल्सू इंसान से वेयरवुल्फ की शक्ल में आना शुरू हो जाता है। उसके बाल, उसका चेहरा, उसके हाथ पैर सब बदलना शुरू हो जाते हैं और वो इन चारों के सामने आता है। जुल्सू जैक के तीनों दोस्तों को मारता है जिससे वो तीनों इंजर्ड हो जाते हैं। और इसके बाद वो जैक को भी मारने वाला होता है कि तभी पीछे से सारा उसे आवाज लगाती है। सारा की आवाज सुनकर जुल्सू रुक जाता है और एक बार फिर से वो नॉर्मल लड़का बन जाता है। अब कुछ देर के बाद जैक सारा के घर पर पुलिस को लेकर आता और उसे कहता है कि इन्हें बताओ कि किस तरह से कुछ देर पहले जुल्सू एक इंसान से भेड़िया बन गया था। सारा कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा, बल्कि वो उस पे इल्जाम लगाती है कि रात को जबरदस्ती हमारे घर पर आया था और इसने मुझसे बदतमीजी करने की कोशिश की। जैक पुलिस को घर की चाबियां दिखाता और वो कहता है कि ये मेरा घर है, मैं अपने घर में जबरदस्ती कैसे आ सकता हूँ। और इसके बाद जैक सारा को और उसके परिवार को धमकी देता, वो कहता है कि अगर ये लड़का यहाँ पर रहा तो तुम लोगों को घर से बाहर जाना होगा। और इस बात से सारा को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि मुझे सब कुछ पता है, मेरे पिता के बिजनेस को तुम्हारे पिता ने ज्वाइन किया था और मेरे पिता की मृत्यु के बाद तुम्हारे पिता ने पूरे बिजनेस को हड़प लिया, तो ऐसा कुछ भी अच्छा नहीं है जो तुमने हमारे साथ किया हो। सारा की मॉम सारा को चुप कराने की कोशिश करती है क्योंकि वो जानती है कि उनके पास रहने के लिए इसके अलावा कोई भी घर नहीं है। जैक सारा की बातें सुनकर पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और सामान को तोड़ना फोड़ना शुरू कर देता है। वहीं सारा जुल्सू से अकेले में पूछती है कि अभी थोड़ी देर पहले जो हुआ था, जिस तरह से तुमने अपना रूप बदला था, वो क्या था? जुल्सू उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे सकता क्योंकि वो बोल नहीं सकता। तभी वहां पर पुलिस आती है और वो जुल्सू को पकड़कर अपने साथ ले जाती है। सारा की मॉम कहती है कि तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पुलिस स्टेशन में पुलिस के पास कोई गवाह नहीं, उनके पास कोई सबूत नहीं है कि जो भी जैक कह रहा है वो सच है। इसीलिए पुलिस जुल्सू को छोड़ देती है। और अगले दिन ये दिखाया जाता है कि सारा की मॉम और सारा उस जगह की सफाई कर रही होती है जो उनके घर के बाहर एक बहुत बड़ा खंडर की तरह हॉल है जहां पर कभी जुल्सू रहा करता था। ये जगह बहुत गंदी होती है और जुल्सू एक बार फिर से उसी कमरे में पहुंच जाता है जिसके बाहर बहुत सारे लॉक्स होते हैं। और यहां पर जैक भी आता है। जैक कहता है कि ये यहां से बाहर नहीं आना चाहिए क्योंकि ये बहुत खतरनाक है। दरअसल जैक किसी भी कीमत पर सारा से शादी करना चाहता है, इसीलिए वो ये भी नहीं चाहता कि ये लोग यहां से जाए। अब जैक बाहर आता है और वो देखता है कि वहां पर बहुत सारा सामान होता है। वो सारा की मॉम से पूछता है कि ये सब क्या है। सारा की मॉम बताती है जो पहले ओनर यहाँ पर रहता था ये उसका सामान है। और जैक को इसमें एक एनवलप मिलता है जिस पर लिखा होता है मिस्टर पार्क, यानी कि उस आदमी का नाम जो पहले यहाँ पर रहता था। और इसी एनवलप पर एक एड्रेस भी होता है और जैक उस जगह पहुंच जाता है। वहां पर वो एक आदमी से मिलता है। ये आदमी मिस्टर पार्क के साथ पहले काम किया करता था।
वहीं दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि चुलसू के पास सारा जाती है और वो उसे अपने साथ बाहर चलने के लिए कहती है। इस वक्त सारा की मॉम घर पर नहीं होती और उसकी बहन स्कूल गई होती है। सारा और चुलसू एक पहाड़ी पर जाते हैं जहां पर ये रेस लगाते हैं और जब ये दौड़ रहे होते तो सारा की तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है क्योंकि उसे लंग्स की प्रॉब्लम है, वो बेहोश हो जाती है। चुलसू को कुछ भी समझ नहीं आता, वो उसे अपने कंधे पर बिठाता है और घर लेकर जाता है, लेकिन घर पर कोई नहीं होता, ना ही आस पड़ोस में, क्योंकि सभी लोग काम करने के लिए गए हुए हैं। चुलसू को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो सारा को एक जंगल की तरफ ले जाता है। अब रात हो जाती है और सारा की मॉम और उसका पूरा परिवार, आस पड़ोस वाले सब के सब सारा को लेके परेशान होते हैं और वो उसे जंगल में ढूंढना शुरू कर देते हैं। जैक भी इनके साथ होता है और एक जगह ये देखते हैं कि चुलसू बैठा हुआ और उसके सामने सारा बेहोश है। इसके बाद चुलसू को पकड़ लिया जाता है और सारा को और चुलसू को वापस घर ले आते हैं। चुलसू को ये उसी कमरे में जानवरों की तरह बांध देते हैं क्योंकि जैक यहाँ पर उस आदमी को अपने साथ ले आता है जो मिस्टर पार्क के साथ काम किया करता था और वो आदमी सबको बताता है कि मिस्टर पार्क और मैं एक ही प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे और मिस्टर पार्क सुपर सोल्जर्स बनाना चाहते थे और उसी का परिणाम ये चुलसू है। जैक कहता है कि इन्हें साफ साफ शब्दों में बता दो कि ये एक इंसान नहीं है बल्कि ये एक बीस्ट है और अगर हम वक्त पर नहीं पहुंचते तो ये सारा को मार कर खा जाता। जैक जिस आदमी को अपने साथ लेकर आया वो कहता है कि हम इसे अपने साथ ले जाना चाहते हैं ताकि हम इस पर एक्सपेरिमेंट कर सकें, लेकिन सारा की मॉम बोलती है ये तो बहुत ही शरीफ बच्चा है। यहाँ पर पुलिस भी होती है और पुलिस कहती है कि तुम इसे यहाँ से कहीं नहीं ले जा सकते, हम इसे ऑब्जर्व करेंगे और अगर ये बदला तो हमें इसे मारना होगा क्योंकि इंसानों के लिए खतरा हो सकता है। इस बात से सारा की मॉम और उसकी छोटी बहन परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि चुलसू उनसे दूर जाए क्योंकि वो उनके परिवार का हिस्सा है। अब पुलिस और मिस्टर पार्क जो कि यहाँ का पुराना ऑनर था, उसका जो साथी है, वो लगातार चुलसू पर नजर रखते हैं। वो उसके कमरे में कैमरा लगा देते हैं और साथ ही साथ चुलसू के ब्लड सैंपल्स भी ले लेते हैं और जब रिपोर्ट आती है तो मिस्टर पार्क का जो साथी होता है उसे पूरी तरह से हैरानी होती है क्योंकि चुलसू का बॉडी टेम्परेचर ह्यूमन बींग से बहुत ज्यादा होता है, उसकी मसल्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है और उन्हें बताया जाता है कि उसके अंदर एक हाथी जितनी पावर है। और अब ये लोग किसी भी कीमत पर चुलसू को अपने साथ ले जाते हैं। वो जानते हैं कि अगर ये यहाँ पर रहा और ये बदला तो पुलिस वाले इसे मार देंगे। और कई दिनों की ऑब्जर्वेशन के बाद चुलसू बिल्कुल नॉर्मल होता है और जब सारा भी हॉस्पिटल से घर आ जाती है तो चुलसू के कमरे में जाती है, उसे गले लगाती है और ये सब के सब कैमरे में पुलिस वाले और मिस्टर पार्क का जो साथी होता है वो देख रहे होते हैं। और मिस्टर पार्क का साथी बोलता है कि माना कि इसे जानवरों की तरह पाला गया, इसके अंदर सोशल स्किल्स नहीं है लेकिन ये सीखना चाहता है और अगर हमने इसी तरह इसको बंदी बनाकर रखा तो हम इसे मार देंगे। पुलिस भी अब यहाँ पर हमेशा के लिए नहीं बैठ सकती और इसीलिए वो ये फैसला करते हैं कि वो चुलसू को आजाद कर देंगे, लेकिन जैक इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो कहता है कि कुछ दिन पहले मैंने देखा था कि चुलसू ने एक बकरी को मारा था, मेरे साथ उस वक्त मेरी दोस्त भी थी। और जैक पुलिस वालों को अपनी उस दोस्त के पास ले जाता है जो झूठ बोल देती कि हमने देखा था कि चुलसू ने एक बकरी को मारा था, हालांकि इन्होंने अपनी गाड़ी से उस बकरी को मारा होता है। यहाँ पर उस आदमी को भी बुलाया जाता है जिसकी बकरी मरी थी। वो कहता है कि हाँ मेरी एक बकरी मरी थी लेकिन मैंने चुलसू को उसे मारते हुए नहीं देखा और ना ही उसके शरीर पर ऐसे कोई निशान थे जिससे ये पता चले कि उसे किसी जानवर ने मारा है। जैक इस बात से गुस्सा हो जाता है, वो कहता है मैंने कहा ना कि मैंने अपनी आंखों से देखा है। पुलिस सबको अपने घर जाने के लिए कहती है, वो कहती है कल हम उस जगह को एग्जामिन करेंगे जिस जगह पर ये हादसा हुआ था। और अब सब अपने अपने घर चले जाते हैं और वो आदमी जिसकी बकरी मरी थी वो जैक के घर पर जाता है और उसे कहता है कि मेरी बकरी के शरीर पर घाव का एक भी निशान नहीं था बल्कि उसकी रिब्स टूटी हुई थी और कल मैं तुम्हारी गाड़ी भी देखना चाहूंगा, कल अपनी गाड़ी लेकर आना। और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। जैक उसके पीछे जाता और उसे मार देता है। वहीं दूसरी तरफ सारा के घर पर सबके सब कैमरे पर स्क्रीन पर चुलसू को देख रहे होते हैं और तभी लाइट चली जाती है। दरअसल जैक यहाँ पहुंच चुका होता है और उसी ने फ्यूज खराब कर दिया होता है। इसके बाद जैक यहाँ पर एक पुलिस वाले को भी मार देता है और वो सीधा उस जगह जाता है, उस कमरे में जाता है जहां पर चुलसू है। वहां पर गिटार का
स्केच होता है जो चुल्सू ने बनाया है। जैक उस स्केच को देख लेता है और वो चुल्सू से बहुत प्यार से बातें करता है। वो कहता है कि मुझसे गलती हो गई जो मैंने तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव किया। तुम्हें पता है सारा गिटार पर गाना नहीं गा पाती, इसीलिए उसकी तबीयत खराब हो रही है और बहुत ही जल्द वो मर जाएगी। दरअसल जैक ने ही इस गिटार को तोड़ा होता है और जैक चुल्सू को बोलता है कि ये गिटार किसने चुराया मुझे पता है, और वो बकरी के उसी ओनर का नाम लेता है जिसे अभी अभी वो मार कर आया है। वो कहता है गिटार उसके घर पर है। और इसके कुछ देर बाद लाइट आ जाती है और घर पर जितने भी लोग चुल्सू के ऊपर निगरानी रख रहे थे वो देखते हैं कि चुल्सू अपने कमरे में नहीं होता। तभी वहां पर जैक आता है और जैक कहता है कि चुल्सू भाग गया और उसने एक पुलिस वाले को भी मार दिया, मैंने अपनी आंखों से देखा था। और अब वो उस बकरी वाले के घर की तरफ गया क्योंकि उसे बकरी का मांस खाना है, और सबके सब उस तरफ चले जाते हैं। चुल्सू उसी घर में होता है, दरअसल वो गिटार ढूंढ रहा होता है और घर वाले जब उसे रोकने की कोशिश करते हैं तो वो उन्हें धक्का देता है जिससे घर वाले बाहर की तरफ गिर जाते हैं। और तभी वहां पर पुलिस आ जाती है और पुलिस चुल्सू को कहती है कि अपने हाथ ऊपर करके बाहर आ जाओ। चुल्सू बाहर आ जाता है, उसके पास सारा जाती है और सारा को चुल्सू गिटार का वही स्केच दिखाता है जिसे ढूंढने के लिए वो यहाँ पर आया है। सारा कहती है कि ये यहाँ पर नहीं है। वहीं जैक पुलिस वाले से गन छीनकर चुल्सू पर तान देता है, वो उसे मारना चाहता है लेकिन सारा आगे आ जाती है। जैक उसे सामने से हटने के लिए कहता है लेकिन सारा नहीं हटती। जैक कहता है कि मैं तीन तक गिनूंगा, अगर तुम आगे से नहीं हटी तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा। अब सारा आगे बढ़ना शुरू कर देती है और जैक काउंट्स कर रहा होता है, और इससे पहले कि वो गोली चलाता सारा उसकी गन पकड़ लेती है। वो सारा को धक्का देता, वो नीचे गिर जाती है और इसके बाद वो उसे लात मारना शुरू कर देता है। चुल्सू से ये बर्दाश्त नहीं होता और वो एक बार फिर से इंसान से वुल्फ बनना शुरू हो जाता है, और कुछ ही सेकंड्स में वो आधा इंसान और आधा वुल्फ बन जाता है। और ये सब के सब वहां पर खड़े लोग देख रहे होते हैं। चुल्सू वहीं से एक छलांग लगाता है, सब उस पर गोलियां भी चलाते हैं और वो सीधा जैक के ऊपर कूदता है और जैक को मार देता है। इसके बाद वो सारा को उठाकर जंगल में भाग जाता है। सारा कहती है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारी असलियत क्या है और मुझे इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता, और इतना कहते ही वो बेहोश हो जाती है। चुल्सू सारा को पत्तों से ढक देता है और उसके गले लगकर वो सो जाता है। जब सुबह सारा की आंख खुलती है तो उसे चारों तरफ से आवाज आ रही होती है, उसका परिवार पुलिस वाले और सब लोग सारा को ढूंढ रहे होते हैं। वो चुल्सू को कहती है कि तुम्हें छुपना होगा, लेकिन चुल्सू सारा को नहीं छोड़ना चाहता। सारा कहती है कि तुम मेरे पीछे मत आओ नहीं तो वो लोग तुम्हें मार देंगे। चुल्सू उसकी बात नहीं मानना चाहता और सारा के पीछे आ रहा होता है। सारा उसे एक थप्पड़ भी मारती है लेकिन इसके बाद वो रोते रोते उसे सॉरी कहती है क्योंकि वो भी चुल्सू को बहुत प्यार करती है। और यहाँ पर चुल्सू पहली बार बोलता है कि मत जाओ। चुल्सू की भी आंखों में आंसू होते हैं। सारा नहीं चाहती कि वो उसके पीछे आए क्योंकि अगर पुलिस ने उसे देखा तो वो उसे गोली मार देंगे, इसीलिए सारा वहां से चली जाती है और चुल्सू वहीं पर खड़ा होकर उसे जाते हुए देखता है। सारा उन लोगों के पास पहुंच जाती है जो उसे ढूंढ रहे होते हैं। यहाँ पर पुलिस वाले, वो प्रोफेसर और सारा की मॉम भी होती है। वो उससे पूछना चाहते हैं कि चुल्सू कहाँ पर है लेकिन वो कहती है कि मुझे नहीं पता, वो जंगल में कहीं चला गया। यहाँ पर जो प्रोफेसर होता है, जो मिस्टर पार्क का दोस्त है जिसने चुल्सू को बनाया था, वो पुलिस वाले से कहता है कि हमें उसे ढूंढना अब बंद करना होगा क्योंकि जल्दी यहाँ पर रिपोर्टर आ जाएंगे और तुम खुद ही चाहते थे कि ये कहानी दुनिया के सामने ना आए। पुलिस वाला उस प्रोफेसर की बात मान जाता और ये सब यहाँ से वापस अपने घर आ जाते हैं। घर आने के बाद पुलिस वाला सारा को बोलता है कि जब भी तुम्हें वो दिखे, उसके बारे में कुछ भी पता चले, मुझे इन्फॉर्म करना, मैं उसे इतनी जल्दी छोड़ूंगा नहीं। सारा कहती है कि हम भी इस जगह को छोड़कर जा रहे हैं। दरअसल सारा का पूरा परिवार अब इस जगह को छोड़कर जा रहा है। सारा उसी कमरे में जाती है जहां पर चुल्सू को बंद किया गया था, जहां पर बहुत सारे लॉक्स होते हैं, और वहां पर वो उसके लिए एक नोट लिखकर जाती है कि मेरा इंतजार करना, मैं तुम्हारे लिए वापस लौट कर आऊंगी, क्योंकि वो जानती है कि चुल्सू उससे बहुत प्यार करता है और सारा की जिंदगी में चुल्सू एक ऐसा इंसान होता है जिससे वो बहुत क्लोज हुई थी। और इसके बाद सारा का और उसका पूरा परिवार यहाँ से चला जाता है। और अब कहानी फ्लैशबैक से प्रेजेंट में आती है जहाँ पर सारा बूढ़ी हो चुकी है और वो 47 साल बाद इस घर के बाहर आई है। यहाँ पर उसे एक डीलर बताता है कि हम यहाँ पर रिजॉर्ट खोलना चाहते हैं, ये प्रॉपर्टी आपकी मॉम के नाम कर दी गई थी और उसके बाद आपकी मॉम ने आपके नाम कर दी और हम इसे खरीदना चाहते हैं। सारा कहती है कि आज रात को हम यहीं पर रुकना चाहेंगे।
और सारा अपनी ग्रैंड डॉटर के साथ रात को वहां पर सो जाती है। और रात को सारा को वहां पर एक सपना आता है। वो उसी रूम में जाती है जहां पर चुलसू को बंद किया गया था। चुलसू आज भी वहां पर बैठा होता है और वो सारा को उसका वो नोट देता है जिसमें लिखा होता है वेट आई विल कम बैक। और साथ ही साथ उसके हाथ में वो गिटार भी होता है जो जैक ने तोड़ दिया था। वो गिटार उसने पूरी तरह से ठीक कर दिया होता है। सारा उसे अपने गले से लगा लेती है। वो कहती है कि तुम्हें अब इंतजार करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद चुलसू उसे स्नोमैन की कहानी सुनाता है जो बचपन में ये दोनों एक दूसरे से डिस्कस किया करते थे। और उस कहानी को सुनते सुनते सारा को नींद आ जाती है। और अगली सुबह जब सारा उठती है तो उसे चुलसू का आसपास कोई भी निशान नहीं दिखता और वो अपनी ग्रैंड डॉटर के साथ गाड़ी में यहाँ से निकल जाती है। और तभी उस आदमी का कॉल आता है जो उनकी इस प्रॉपर्टी को खरीदना चाहता है, लेकिन सारा उसे मना कर देती कि हम इस प्रॉपर्टी को नहीं बेचना चाहते। सारा की ग्रैंड डॉटर उसे बताती है कि कल रात को जब मैं फोन पर बाहर बात कर रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे कोई देख रहा था। और इसके बाद दूर से ये दिखाया जाता है कि चुलसू आज भी यहीं पर होता है और उसे पता है कि सारा यहाँ पर आई थी और उसकी गाड़ी को दूर से जाता हुआ देखता है। और अंत में ये दिखाया जाता है कि चुलसू बर्फ से स्नोमैन बना रहा होता है, बर्फ से खेल रहा होता है, ठीक उसी तरह से जिस तरह से बचपन में डिस्कस किया करते थे। और इसी के साथ ये कहानी, ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। ये एक शानदार कोरियन फिल्म है जो सन 2012 में रिलीज हुई थी। आईएमडीबी पर इसकी रेटिंग है 7.3। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।